नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। चुनाव नजदीक आ गया है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एजेंडा सेट हो चुका है, बोले तो क्लियर हो चुका है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सत्ता से बीजेपी को जो है वो कबाड़ के फेंकना ही उनका एकमात्र एजेंडा है, वो भी किसी भी कीमत पर। और इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो और कोई नहीं बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत जो है उनका अच्छा खासा प्रभाव वेस्टर्न यूपी पर पड़ता है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग बात मानते हैं। वहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के कवायद में अब बीकेयू भी शामिल हो गया है और 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीकेयू भी अब लड़ने वाला है। किसानों के हमदर्द और नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने कहा है कि चुनाव का दौर शुरू हो चुका है लेकिन हम किसी भी नेता के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा किसान किसी से कमजोर नहीं है। सुनिए, क्या हम आने वाले समय में आपको किसी नेता के साथ मंच शेयर करते हुए देखेंगे? ना, मंच नहीं करने के हम किसी नेता के साथ में, ये हम किसानों के साथ में करेंगे शेयर मंच। हाँ, ये किसान अपनी करेगा, रैली क्या किसी से कमजोर है, इनके साथ भी करेंगे। राकेश टिकैत के जो तेवर है वो कतई जबरदस्त है। तमाम मुद्दों पर राकेश टिकैत सरकार को रगड़ रहे हैं लगातार, फिर चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल हो या फिर कुछ भी। हम ये कह रहे हैं कि व्यर्थ क्यों जाएगा किसी का, ये तो बुआई का टाइम है, हम सब अपना बोलो, जो जैसा बोगा ऐसा ही अप्रैल में काट लगा, बुआई का टाइम चल रहा। अब तो क्या कहेंगे जनता को इस चुनाव के बारे में? जनता को तो सब पता भाई, जनता को ये तो पंचायती फैसला होगा, ठीक है, और पंचायत में सरकार क्या कर रही, पंचायत में सबको सही बता के, अगर एक आदमी गलत बयानबाजी कर रहा तो उनको बता के गलत बोल रहा तो जनता अपने आप फैसला कर लेगी। अब सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा? अब नवंबर के अंत में एक साल होने वाला है। जवाब आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है, आप खुद ही सुनिए। ये देश का किसान कहीं नहीं जाएगा आंदोलन छोड़ के। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकारें चला सकती है तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन भी जब तक ही चलेगा जब तक भारत सरकार गारंटी MSP पे कानून नहीं बनाएगी, जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं लेगी, फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने पहले भी बोला कि 26 नवंबर के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हाँ, लंबा चलेगा, हम अपने टेंट बदलेंगे, फट गए टेंट, तिरपाल बदलेंगे, चादर डाल लेंगे, ये करेंगे हम काम। 26 तारीख से रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा। यही नहीं, टिकैत ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर भी सवाल खड़े किए। टिकैत ने कहा है कि जिस देश का राजा मंदिर के दरवाजे बंद करने जाएगा उस देश में अकाल तो पड़ेगा ही। भुखमरी आती है, आपदाएं आती हैं, राजा को कपाट खोलने के समय पर जाना चाहिए, दरवाजा बंद करने के समय पर नहीं जाना चाहिए। जरा सुनिए क्या बोला राकेश टिकैत ने। जिस देश का राजा मंदिरों के दरवाजे बंद करवाने जाएगा उस देश में अकाल पड़ता है, भुखमरी आती है, आपदाएं आती है, राजा को मंदिर के दरवाजे खोलने के टाइम पर जाना चाहिए, बंद दरवाजे पर राजा को नहीं जाना चाहिए। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि राकेश टिकैत ने अपनी कमर कस ली है कि 2022 में बीजेपी को उखाड़ करके बाहर फेंक देना है। क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन खबर जो भी होगा आपको यूपी तक वो खबर जरूर देगा। आप यूपी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खबर मेरठ से हमारे संवाददाता उस्मान ने आपके लिए पेश की थी। नमस्कार।